डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं जिसका ट्रांसलेशन द्वारा हम इंग्लिश सीखेंगे। द जजमेंट, न्याय, राजा का न्याय। देखिए भी वी नाउ हम जानते हैं दैट कि द लायन, ये लॉयन नहीं है, ये क्या है भी लायन, क्या है बच्चों लायन, शेर, शुद्ध उच्चारण इसका क्या होगा भी लायन, इज द किंग ऑफ द एनिमल्स, सभी जानवरों का राजा होता है। सिमिलरली द वॉस्प, वॉस्प क्या होता है भी ततैया, क्या होता है भी ततैया या भौरा बोलते हैं, इज द किंग ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े, लाइक जैसे फ्लाइज, मक्खियां, हनी बीज, मधुमक्खियां, बटरफ्लाइज, तितलियां, शेर के समान, सिमिलरली शेर के समान ही जो वॉस्प होता है, भौरा होता है, ततैया होता है, वह कीट पतंगों, इंसेक्ट्स क्या होते हैं भी कीट पतंगों जैसे मक्खियों, मधुमक्खियों, तितलियों का राजा होता है। नेक्स्ट देखिए भी, ये जो ततैया है इस प्रकार का एक इंसेक्ट होता है, मुझे क्या बोला गया अभी, राजा बोला गया कीट पतंगों का। वेन यूर, ये W के बाद H आता है, कभी भी याद रखना W के बाद H आता है, वो H हमेशा क्या रहता है भी साइलेंट रहता है, क्या रहता है भी साइलेंट, मूक शब्द बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भी मूक। इसमें ये वेन है, इसको इसको इस प्रकार बोलेंगे वेन, वेन यूर, जब भी द इंसेक्ट्स कीट पतंगों हैड ए प्रॉब्लम, किसी की कोई समस्या होती है, दे वेंट, वे जाते हैं टू द वॉस्प, ततैया के पास, टू सेटल इट, इसे सुलझाने के लिए। दे हैड, वे फुल फेथ, संपूर्ण विश्वास, इन द जजमेंट, न्याय में, ऑफ द किंग, राजा के न्याय में वो पूर्ण विश्वास रखते हैं। एक याद रखना, ये जो जजमेंट है इसे स्पेलिंग ध्यान रखना, डी के बाद में जी आने पर डी हमेशा क्या रहता है बच्चों साइलेंट रहता है, डी के बाद में क्या आने पर भी जी आने पर हमेशा ही डी क्या रहता है भी साइलेंट रहता है। इसमें ये जजमेंट हो गया होगा भी जजमेंट, में डी का उच्चारण नहीं हुआ। वन डे, एक दिन, द हनी बीज, मधुमक्खियां, वेंट टू द कोर्ट ऑफ द ऑफ देयर किंग फॉर जस्टिस, जस्टिस होता है न्याय के लिए। एक दिन मधुमक्खियां अपने देर अपने राजा ततैया के दरबार में न्याय के लिए गई, कोर्ट क्या होता है अभी दरबार, वेंट गई कोर्ट दरबार में, ऑफ देयर किंग अपने राजा के, फॉर जस्टिस किसके लिए गई भी वो न्याय के लिए। द क्वीन, क्वीन ऑफ द हनी बी सेड, द क्वीन ऑफ द हनी बीज, मधुमक्खियों की जो रानी थी, सेड, उसने कहा, सर, हुजूर, श्रीमान, वेन, जब, वी वेंट आउट, हम बाहर गए, यस्टरडे, कल, टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए, नेक्टर, नेक्टर क्या होता है अभी पराग, क्या होता है बच्चों पराग, जब हम पराग एकत्रित करने के लिए गए, द फ्लाइज, मक्खियां ने, ऑक्यूपाइड होता है,
जगह ले लेना, स्थापित कर देना और हनीकॉम। हनीकॉम क्या होता है अभी? मधुमक्खियों का छत्ता। इसमें कॉम में थोड़ा ध्यान रखना, COMB। ऐसे वाक्यों में हमेशा बी, ऐसे वर्ड होते हैं उनमें बी साइलेंट रहता है, इसको क्या बोलते हैं अभी? कॉम। बी हमेशा क्या रहता है अभी? एम और बी साथ साथ आते हैं तो बी हमेशा क्या रहता है? साइलेंट रहता है। कॉम, जैसे TOMB, टूम, इसको टूम बोलते हैं। जैसे BOMB, बॉम, ये बी साइलेंट रहेगा, इसका उच्चारण नहीं किया जाता। रानी मधुमक्खी ने कहा, श्रीमान कल जब हम पराग एकत्रित करने के लिए गई थी, तब मक्खियां अपने हमारे छत्ते पर आई और हमारी जगह ले ली। वेन, जब वी केम बैक, हम वापिस आए, दे, उन्होंने, रिफ्यूज्ड होता है मना करना, टू गो अवे, वहां से जाने या छत्ते से जाने से मना कर दिया। रिफ्यूज क्या होता है अभी? मना करना, इनकार करना। नाउ, अब दे से वे कहती हैं दैट की द हनी कॉम जो छत्ता है, एंड द हनी जो शहद है, शहद और छत्ता बिलोंग टू देम, उनके अधिकार में है। बिलोंग टू क्या होता है अभी? किसी के अधिकार में होना, उससे संबंधित होना। नेक्स्ट देखिए, ये देखो पिक्चर में दिखाया गया है। अगला है, दैट इज नॉट ट्रू सर, सेड वन ऑफ द फ्लाइज, मक्खियों में से एक ने कहा। वन ऑफ द फ्लाइज क्या होता है अभी? मक्खियों में से एक ने कहा, दैट इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है सर। श्रीमान जी, हजूर, एक्चुअली, वास्तव में, वी मेड, हमने बनाया द हनीकॉम, शहद जो छत्ता था वो हमने बनाया, सो इसलिए द हनी शहद है, बिलोंग टू अस, हमारा है, शहद हमारा है या हमारा अधिकार है। काइंडली कृपया आस्क द हनी बीज, मधुमक्खियों से कहें, टू गो अवे, जाने के लिए, फ्रॉम आवर हनी कॉम, हमारे छत्ते से दूर जाने के लिए कहें। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है अभी? इस प्रकार इनकी वार्तालाप हो रही है, कोर्ट में मीटिंग हो रही है। ये क्या है अभी? मक्खियां फ्लाइज हैं। ये क्या है अभी? हनी बीज हैं, मधुमक्खियां हैं। नेक्स्ट देखिए, द वॉस्प, भौंरा या फिर ततैया, न्यू, जानता था। नव है, नव की सेकंड फॉर्म है न्यू, जानता था दैट की फ्लाइज, मक्खियां, कुड नॉट मेक हनी कॉम्स, मधुमक्खियां कभी छत्ता नहीं बनाती हैं या बना सकती हैं। बट, परंतु, लेकिन, एज ही वॉज द किंग, वह राजा था, ही हैड टू लिसन। अब यहां पर देखो अभी लिसन, इसमें टी साइलेंट है, LISTEN, लिसन में क्या बोलेंगे इसको भी? लिसन, लिसन में टी साइलेंट है, टी का उच्चारण नहीं होता कभी भी। ही हैड टू लिसन टू बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज का मतलब है यहाँ पक्ष, दोनों पक्षों की बात सुननी थी, क्योंकि वह क्या था अभी? राजा था। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के पश्चात, वेरी केयरफुली, ये केयरफुली नहीं है, ये क्या है अभी? केयर, केयर फली, सावधानी पूर्वक सुनने के पश्चात, ही आस्क्ड बोथ ऑफ देम, उन्होंने दोनों से कहा, टू मेक न्यू हनीकॉम,
नए छते बनाने के लिए उन्होंने कहा आई शैल टेक ए डिसीजन। ये क्या है अभी? डिसीजन होता है निर्णय। आफ्टर सीइंग देखकर द हनी कॉम्स छतों को मेड बाय यू, आपके द्वारा बनाए गए, तुम्हारे द्वारा बनाए गए नए छतों को देखकर ही मैं अपना सही फैसला दूंगा। अब देखिए भी इस प्रकार ये क्या है अभी, जो वॉश है वो मधुमक्खियों को सुना रहा है। अब देखिए भी द हनी बीज एग्री टू दिस सजेशन। ये क्या है अभी, इसको क्या बोलते हैं, सजेशन, सजेशन सुझाव, क्या होता है अभी उच्चारण सा हुआ सजेशन। जो मधुमक्खियां थी वो इस सुझाव से सहमत हो गई। बट परंतु द फ्लाइज मक्खियों ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया या राजी नहीं हुई छता बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बनाना नहीं आता उनको। अब देखिए भी नाउ अब इट इज वेरी क्लियर, ये बिल्कुल साफ था दैट की द हनी बीज मधुमक्खियां मेड द हनी कॉम छता बना सकती थी, सेड द वॉश्प। ततैया ने कहा कि ये साफ हो गया कि मधुमक्खियां छत्ता बना सकती है या मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया। फ्लाइज कैन नॉट मेक हनीकॉम्ब्स, मक्खियां छत्ता नहीं बना सकती हैं। द फ्लाइज मक्खियां मस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है तुरंत, वेकेट का मतलब होता है खाली करना, क्या होता है अभी, खाली करना द हनीकॉम्ब, मधुमक्खियां तुरंत छत्ते को खाली कर दे या कर देना चाहिए उन्हें। द हनी बीज मधुमक्खियां कैन गो, जा सकती हैं, एंड लीव देयर, और रह सकती हैं। ये क्या है भी, वर्ब है, इसी क्या बोलेंगे भी, लीव, क्या बोलेंगे भी, लीव। अगर ये नाउन होती तो इसे कहते हैं लाइव, क्या कहते हैं भी, लाइव, और रह सकती हैं वहां पर। द फ्लाइज मक्खियां फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड होता है शर्मिंदगी महसूस करना, मधु मक्खियां थी वो शर्मिंदा हो गई, एंड लेफ्ट द प्लेस, और स्थान को छोड़ दिया। द बीज वेंट बैक हैप्पीली टू देयर हाइव, ये क्या है अभी, हाइव, क्या बोलेंगे अभी, हाइव मीन्स क्या होता है अभी, मधुमक्खियों का जो छत्ता है वहां पर जाकर खुशी से रह सकती हैं। अब नेक्स्ट देखिए भी, ये देखो मेरे विद्यार्थियों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद।